नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षा कक्ष में एग्जाम हॉल जो है वहाँ पर आप कैसे तनाव रहित रह सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक उसके लिए तो ये है कि आप एग्जाम के दिन, जिस दिन एग्जाम है उससे पहले वाले दिन, कई लोग क्या रात भर जग करके पढ़ते हैं, तो ये सबसे बेकार बात है, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो उबासी लोगे, नींद आएगी, आपको आलस्य सताएगा। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही है, आप तनाव मुक्त तभी रह सकते हैं जब आप माइंड एकदम फ्रेश है, एकदम स्वस्थ है। तो उसके लिए आप पूरी नींद लें, एग्जाम से पहले आप पूरी 8 घंटे की नींद लें कम से कम, और फिर उसके बाद में आप एग्जाम सेंटर पर जाएं। तो जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो परिणाम की चिंता कतई नहीं करें, दिमाग से परिणाम की चिंता बिल्कुल ही निकाल दें कि क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आप पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, और थोड़ी सी स्माइल करें चेहरे पर, और फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाएं आप, और सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को करें जो आपको 100% आ रहे हैं। जब आपको 100% प्रश्न आ रहे हैं तो आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप किसी प्रकार का जो है आप तनाव में नहीं रहेंगे, और तनाव में नहीं रहेंगे तो आप नहीं आते हुए प्रश्नों को भी सॉल्व कर देंगे, और जब आप तनाव में रहेंगे ना तो आते हुए प्रश्नों को गलत कर देंगे। तो आप तनाव में नहीं रहें, एकाग्रचित हों, और फिर उसके बाद में एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।